राम राम हरि 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 हरि। पशुता से पार होना हो तो पार की याद करनी होगी। बस ध्यान देना, ध्यान न दिया हो तो मैं फिर से प्रार्थना करता हूं। पशुता है ना जीवन में, काम की अधिकता, क्रोध की अधिकता, ईर्ष्या की अधिकता, किसी को नीचा दिखाने की अधिकता, ये जो हमारे जीवन में पशुता है, इस पशुता से पार होना हो तो पार की याद तो करनी होगी। और पार की याद माने क्या? माने इस पशुता से जो पार हो गए, ऐसे सदगुरु की याद, सदगुरु के दिए हुए नाम का जप, उसमें शांति पाना। आकाश की ओर आंख न उठाई तो कूप मंडूक की तरह एक दायरे में जिंदगी पूरी हो जाएगी। सागर का, समुद्र का मेंढक एक दिन समुद्र से बाहर निकला, छलांगे भरता भरता कहीं जा रहा था। रात हो गई, सोचा इस सामने कुआं है, आराम इसके अंदर जाके करता हूं। लगा दी छलांग तो कुएं में पहले से जो मेंढक रहता था उसने पूछा, पहले उसका स्वागत किया, कहो मित्र कैसे आए? बोले बस जा रहा था थोड़ा आराम करने। कहां से आए हो? सागर से, मैं समुद्र में रहता हूं। अच्छा, समुद्र में रहते हो, तो तुम्हारा समुद्र कितना बड़ा है? तो बहुत बड़ा है। तो कुप मंडूक ने, माना कुएं में जो मेंढक रहता था, उसने छलांग लगाई, कहा कि इतना बड़ा है तुम्हारा सागर, कुआं छोटा सा, कुआं कितना होता है गांव में? छलांग लगाकर कुएं का मेंढक सागर के मेंढक को बोलता है, इतना बड़ा है समुद्र? वो बोलता है कि इससे तो बहुत बड़ा है। तो उसने और ज्यादा लंबी छलांग लगाई, बोले इतना बड़ा होगा बस? बोले नहीं मित्र, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे तो बहुत बड़ा है। तो उसने फिर, कुएं के मेंढक ने गहरा श्वास भर के और जोरों की छलांग लगाई कुएं में एक छोर से दूसरे छोर तक, बोले इससे बड़ा तो तेरा सागर हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। तो सागर के मेंढक ने कहा कि भाई लगता है तुमने सागर देखा ही नहीं है, इसलिए कुएं में छलांग लगा लगा कर कह रहे हो कि सागर इतना ही होगा। ऐसे ही जिन्होंने भगवत भक्ति का, गुरु भक्ति का, सेवा का, सुमिरन का, ध्यान का आनंद नहीं जाना ना, वो लोग संसार में बोलते हैं बस यही बढ़िया है, मकान अपना है बढ़िया है, कार है बस, इससे ज्यादा ऊंचा सुख तो कोई हो ही नहीं सकता। बैंक बैलेंस हो, घर में भी पैसा खूब हो, ज्वेलरी हो, कार हो, पत्नी आज्ञाकारी हो, बेटा हो, बेटी हो, शादी करा दी हो, इससे बड़ा सुख तो कोई हो ही नहीं सकता। तो भाई कुएं के मेंढक ने कितनी भी छलांगे लगाई पर सागर तो सागर ही है, उसको माप नहीं सकता कुएं का मेंढक। उसी प्रकार ईश्वरीय सुख को भेद बुद्धि में उलझे हुए, राग द्वेष और मेरे तेरे में उलझे हुए लोग समझ नहीं पाते हैं बेचारे, और बस के इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। भाई भेद परिमाण का ही नहीं, गुण का भी है। एक आदमी घर पे था ना, तो टिंचर की शीशी रखते हैं, कई लोग घर पे खून वून निकले तो लगा देते ना टिंचर, तो टिंचर की जो शीशी थी कांच की, वो गिरी और टूट गई। तो चिल्लाया, पत्नी को आवाज दी, चाकू ला, जल्दी चाकू लेकर आ, जल्दी ला, अरे सुनती है चाकू ले क्या? क्या हुआ? पत्नी ने अंदर से आवाज दी, बोले टिंचर की शीशी टूट गई और टिंचर ढुल गया जमीन पर, तू जल्दी से चाकू ले क्या, दूसरी कोई बात मत कर।
पत्नी को हुआ कि टिंचर की शीशी टूट गई, ढुल गया, तब चाकू क्यों मंगा रहे? तो ले गई चाकू। क्या करते हैं चाकू का देखूं तो उसने क्या किया, अपने हाथ को ही चीरने लगा, चाकू से, चाकू की नोक से चीरने लगा चमड़ी। तो फिर चीर कर और टिंचर जो ढुला हुआ था उस पे नीचे जमीन पे रगड़ने लगा, खून बंद हो जाए। टिंचर का उपयोग कर रहा हूं, टिंचर ढुल गया। पत्नी ने पूछा क्या कर रहे हो, बोले टिंचर की शीशी टूट गई, देखती नहीं तू, उसका सदुपयोग कर रहा हूं। अब टिंचर का सदुपयोग कर रहा है और अपना हाथ चीर रहा है, अपना खून बहा रहा है। कुछ रुपयों की शीशी और बलिदान कितना बड़ा कर रहा है। आपको लगेगा कि आदमी बेवकूफ रहा होगा, पर संसार में ऐसे कई हैं जो अपने आप का घात कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बातों में बेचैन हो जाया करते हैं, सोचते ही नहीं। शेर होता है ना, शेर, शेर मर जाए ना, अगर अपने आप उम्र पूरी हो शेर मर जाए तो शेर की जो खाल होती है बड़ी महंगी बिकती है। पर सोचो मनुष्य मर जाए उसकी खाल कोई खरीदेगा? है बोले हटा पनौती अपशकुन है, ले जाए यहां से। मर जाए और शरीर थोड़ी देर ज्यादा रखा रहे तो भी घर के लोग और अड़ोसी पड़ोसी लोग, संबंधी रिश्तेदार जो आएंगे वो बोलेंगे अरे जल्दी करो भाई, अरे भाई फलाने को आ जाने दो, अरे वो आएगा तो उसको हम बात कर लेंगे, समझा देंगे, चलो तुम जल्दी करो, बांधो ले चलो। शेर की खाल कीमती है, बिकती है। मनुष्य की जिस खाल की कोई कीमत नहीं, लोग उसके द्वारा अगर भजन करके अपना कुछ खजाना इकट्ठा कर ले तो कितना अच्छा। सोचो जरा, दुनिया में जो स्थिर नहीं है और स्थिर रहेगा भी नहीं, लाख प्रयास करें, क्या हम वहीं जीवन गंवा देंगे? जिसके दिल में कामनाएं बहुत हो ना, वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो किसी काम का नहीं है। जिसकी कामनाएं ज्यादा वो आदमी किसी काम का नहीं, जिसकी इच्छाएं ज्यादा वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो अपनी इच्छा पूर्ति की बात ही सोचेगा, सेवा की परोपकार की बात सोच ही नहीं सकता। इसलिए वो भाग्यशाली होते हैं जो इच्छा निवृत्ति के रास्ते पर चलते रहते हैं, और वो बिचारे दया के पात्र होते हैं जो इच्छा निवृत्ति की ओर न चल के इच्छा पूर्ति की ओर चलते। तो भगवान से प्रार्थना करना कि हम इच्छा निवृत्ति के रास्ते पर चलते रहें, बस कदम तो रखे हैं, सत्संग में आ पाए बहुत बड़ी बात है, पर इच्छा निवृत्ति के रास्ते पर हम चल पाए। और इच्छा पूर्ति में जो सुख मानते हैं उनकी दोस्ती से हम अपने को दूर रखें। किसी वस्तु व्यक्ति में राग करते हैं उनकी दोस्ती से हम दूर रहें। मिट्टी का एक गोला हो सूखा, वो लेकर आप दीवार पर मारो, चट्टान पर लगाओ तो गिर जाएगी, मिट्टी चूर चूर हो जाएगी, वो चिपकेगा नहीं। पर मिट्टी गीली हो, गीली मिट्टी का गोला लेकर आप दीवार पर मारो फेंको तो वो चिपक जाएगा, क्यों? कि उसमें गीलापन है। ऐसे ही जिसमें राग होता है भीतर, कहीं ना कहीं आसक्ति होती है, ये गीलापन ये आदमी को चिपका देता है, माने बांध देता है किसी के रूप के साथ, किसी पद के साथ, तो बंधा रहता है। इसलिए सत्संग है कि पशुता से पार हो जाए आदमी और पार की याद शुरू करते हैं। इसी में जीवन की सार्थकता। और पार की याद क्या, कि देह से पृथक भाव, अष्टावक्र जी कहते एक साधन, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का ये शरीर है पर मैं ये नहीं, शांत।
दूसरा साधन बताते हैं अष्टावक्र जी, अपने अंतःकरण की विश्रांति। कभी भी कुछ भी हो, अपनी शांति बरकरार बनी रहे। अनुकूलता को भी पचाना सीखें हम सभी भाई बहनें, और प्रतिकूलता आती है जीवन में कई बार, उसको भी पचाना सीखें। रहे कहीं भी, मुंबई में रहते हो कि अमेरिका में रहते हो, स्थान कोई भी हो, कई लोग ऐसे मूड होते हैं, सोचते हैं कि यहाँ मजा नहीं है, कहीं और जाएंगे तो मजा आ जाएगा। स्वामी शरणानंद को किसी ने पूछा, महाराज मजे में हो? बोले नहीं। तो क्या तकलीफ में हो? बोले नहीं। तो आप बोलते हो, मैं पूछा मजे में हो, आप बोलते हो नहीं, तो मतलब कोई कष्ट है? बोले कष्ट भी कोई नहीं है, यहाँ जो भी कष्ट आता है नष्ट हो जाता है। तो बोले मैं मजे में हूं ऐसी बात नहीं है, मजा मुझ में है। मैं मजे में काहे को हूं, मजा मुझ में है। मजे में हूं मतलब परिस्थिति अनुकूल है, पैसा है, दुकान है, मकान है, अच्छा है, मजे में हूं। और अगर कभी मंदी आई, कोई कष्ट आया, तो मजे में नहीं हूं, ऐसा नहीं है। बोले मजा मुझ में है। क्यों? कि गुरु से सीख पाली, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सबके हृदय में है तो मेरे हृदय में भी है। प्रतिकूलता आती है तो कोई बात नहीं, प्रतिकूलता भक्ति में बाधक थोड़ी है, भक्ति में बाधक अनुकूलता की इच्छा है। जय सियाराम, हरिओम तत्सत, बाकी सब गप। तो स्थान को